कुछ ये फ्रेंड्स जो है बस है, और मैं अगर आपको बात करूँ तो रहते हैं तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली बस पे एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का ये बस है, आप देख सकते हो, ये कुछ यहाँ इस तरह से है। नॉर्मली वेकेस है और बाकी चीजें ठीक है। ये अपना यहाँ पे है, तो कुछ इस तरह का बाय द वे लुक आता है, तो आप इजीली इसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बस के अंदर हूँ ऑलरेडी, मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ और आप देख सकते हो इस तरह से, तो चीजें ठीक है। और अगर मैं इस केबिन की क्वालिटी की बात करूँ तो काफी क्लीन केबिन है इसमें, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे का आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं तो ये सिंगल वाला है, लोअर बर्थ है यहाँ पे जिसमें मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो पीछे आपको ये नॉर्मली एक जो है चार्जिंग की सॉकेट मिल जाती है, यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, और पीछे कुछ इस तरह का सॉफ्ट मटेरियल है ताकि जब यहाँ पे आप बैट्स हो तो इसलिए ये आपके पीछे जो है वो थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट करें कुछ इस तरह का। और ये आपके नॉर्मली मैं दिखाऊं तो ये आपके कर्टन से, कर्टन की जो क्वालिटी है वो ठीक है और क्लीन है यहाँ पे प्रॉपर। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इश्यूज जो भी हो तो क्लीन नहीं है, गंदगी है तो ऐसा कुछ नहीं है, काफी अच्छा क्लीन केबिन है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, ये केबिन है तो यहाँ से हम इसकी बाहर देख सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया में जो है जो इसका जो लेंथ है, जो बैठने की जो चीजें हैं, तो काफी लेंथ अच्छा है इसका। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैग रखा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर अगर आप देखोगे साइड पे तो आपको एक फैन भी दिख जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा केबिन है। और लाइटिंग की बात करें तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिल जाती है, दो यहाँ पे लाइटिंग है, और यहीं पे जो है एसी का वो फैन भी यहाँ पे ब्लोअर लगा हुआ है, यहाँ से ये हवा भी आ रहा है। यहाँ से हम लाइटिंग इसको देखिए बंद कर सकते हैं, दोनों में ऑन ऑफ यहाँ से हो सकता है, तो इस तरह से कुछ है। और एक पर्सन के लिए ये बेटर है, ओनली वन पर्सन ही है, और चार्जर यहाँ पे आप नॉर्मली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, और ये ठीक है, प्लस पॉइंट है कि हम जो है चार्जर भी यूज कर लें। तो केबिन वाइज क्वालिटी वाइज हर चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, और ये लोअर बर्थ है तो बहुत ज्यादा झटके नहीं आ रही, क्योंकि लोअर बर्थ होने के साथ साथ ये क्या है कि हमें मेरा जो सीट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो इस वजह से भी काफी चीजें अच्छी है। और जब मैंने बस में एंट्री की है उसके बाद जब टिकटिंग का हो गया उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एमिनिटीज में यहाँ पे आपको अच्छी चीजें, जैसे सपोज दैट इमरजेंसी टॉयलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पीछे की तरफ पे हैं, तो जो यहाँ पे अटेंडिंग तो उन्होंने मुझे बताया। और बेसिकली कोविड की वजह से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स पिलो ये सब चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, क्योंकि कोविड की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे बैंड है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे लगा हुआ है ये मेरा पर्सनल है, ये मैंने इसको ऊपर डाल रखा है, ये वुलन ब्लैंकेट है और आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह से है। और ये इसकी केबिन ये कुछ इस तरह का है, आपको चारों तरफ से देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। बाहर का भी लुक मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अब तो जब मैं यहाँ पे मैं आपको बता रहा था मैंने एंट्री किया तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे मिली, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे बस जो है आपको वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ की जो फैसिलिटीज है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे दो मुझे सेवलॉन के यहाँ पे एथेनॉल जो है आपको ये मिल जाता है, एल्कोहल हैंड सैनिटाइजर, और यहाँ पे आपको एक भी पॉजिटिव कैंटीवेटल वाइप मिल जाती है, इसमें सीधे मेंशन है 99.9% जैन प्रोडक्ट सेम है, और जो भी है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स हाजमोला का दो चकोला जो भी है ये आपको मिल जाता है, हाफ लीटर की एक बॉटल यहाँ पे किल्ले मिल जाती है नॉर्मली, और चॉकलेट की बात करें तो दो आपको यहाँ पे चोकोबक्स भी मिल जाते हैं आपकी जेनरू के हैप्पी बनाने के लिए। और फिर नॉर्मली यहाँ पे आपको एक ब्राउजर मिल जाता है इनका खुद का, और इस पे इनके जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, इनकी क्या क्या फैसिलिटीज हैं ओवर कंट्री क्या क्या है यहाँ पे आपको मिलती है। तो इस ब्राउजर पे मुझे एक चीज़ थोड़ी सी ठीक लगी, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो इन्होंने ये जो पिक्स मेंशन किया हुआ है ये रियल है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं आपको अगर दिखाऊं
तो ये देखिए ये पीछे का पार्ट और ये यहाँ पे ये देखिए ये है ना, तो ये एक जैसा, इसका मुझे लगा कि ये इन्हीं का होगा क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, तो कुछ इस तरह से बाकी कर्टन्स जो भी चीजें हैं तो उस तरह से है, तो ये कुछ इस तरह से है आप देख सकते हो। और ये जो इनका बस है ये इंटरसिटी करके है और ये रेल यात्री वालों का है, आप देख सकते हो इनके ब्राउजर पे इसलिए मेंशन है सारी चीजें। तो और फिर पीछे कहाँ कहाँ इनकी सर्विसेज हैं, कहाँ कहाँ पे ये सर्विस देते हैं, बाकी सारी चीजें इसमें ये नॉर्मली इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये सारी चीजें, और अगर मैं फुल लेंथ की बात करूँ तो मैं पूरा अगर सपोज दैट अगर मैं ओवरऑल फुल लेंथ काफ़ी अच्छा है, और ये कुछ इस तरह की लाइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। ये दो लाइटिंग यहाँ पे आपको मिलती है, बेसिकली लाइट है, बीच में ब्लोर भी है, मैंने आपको बताया था। और इस तरह से पूरी चीज़ें हैं, ये कर्टन्स आपके यहाँ पे हैं। प्राइस हाई की वजह से थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लग रहा है, बट ओवरऑल जब मैं यहाँ पे आ रहा और मुझे सारी चीज़ें लगी तो मुझे ठीक लगा। मैं जितना मैंने पे किया उस हिसाब से मैं यहाँ पे सेटिस्फाई था, इसलिए मेरे को नहीं है। तो अभी जो है बस वो रुक चुकी है यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे बस उतरने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे अभी डिनर के लिए बस रुकी हुई है, तो नेक्स्ट ट्रेन चलते हैं और डिनर करते हैं। तो ये था मेरा केबिन और कुछ इस तरह से यू कैन सी वेरी इजली L2 था। तो अभी यहाँ पे रुकी हुई है वो डिनर करने के लिए रुकी हुई है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी करंट में, तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे डिनर के लिए। स्पेशली यहाँ पे बस यहाँ पे रुकी हुई है, ये भैया यहाँ पे अटेंडेंट, भैया का नाम क्या है? आशीष भैया इन्हें अटेंडेंट हैं, काफी अच्छा बिहेवियर इनका लगा। और ये भाई साहब हमारे ड्राइवर हैं, भाई साहब का नाम क्या है? रामपाल सर। तो अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करेंगे, डिनर करके फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे एक ढाबे पे जो है वो रुकी हुई है बस, यहाँ पे मोस्टली बसेस रुकती हैं आप लोग देख सकते हो इस तरह से, ये हमारी जो बस है नॉर्मली हम यहाँ से इससे आ रहे हैं, तो नॉर्मली ये सारी बसेस रुकी हुई हैं और हम यहाँ पे डिनर करके और फिर निकलते हैं। ठंडा काफ़ी है तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो। तो अभी का ट्रिप यही है, डिनर करके फिर फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मेन्यू है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखे हैं, यहाँ पे कृष्णा ढाबा करके है, एक कढ़ाई पनीर। तो एक्चुअली मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पे देखिए एक तरह का टोकन भी देते हैं मोदी सरकार की, चाय तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे टोकन मिलता है, ये 100 रुपए का टोकन है, कलर वाइज यहाँ पे टोकन है, नॉर्मली आप देख सकते हैं लोग कलर वाइज टोकन यहाँ पे ले रहे हैं, ये टोकन आप जाओगे तब आपको मिलेगा। भैया मिलेगा कहाँ इसका, भैया मिलेगा कहाँ? यहाँ पे ये नॉर्मली कि आप लोग देख सकते हो ढाबा है ये बेसिकली, तो यहाँ पे सारे लोग हैं यहाँ पे डिनर करते हैं, यहाँ पे आप बैठोगे तो टोकन वाइज यहाँ पे चीजें आपको मिलेंगी तो कुछ इस तरह से। तो हम भी यहाँ पे ये बस खाने की वेटिंग है, ये कुछ इस तरह का उन्होंने कलर वाइज जो है टोकन दिया है, टोकन से देखेंगे कैसे क्या है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। चीज़ें तो मेंशन थी यहाँ पे कुछ, तो काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी रुके हुए हैं और बाकी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, काफ़ी यहाँ पे मोस्टली जो लॉन्ग ट्रेवलर आते हैं वही लोग यहाँ पर रुकते हैं, मोस्टली बस आते हैं वो भी रुकते हैं, उस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट वेट और डिनर कैसा आता है तो डिनर करके फिर बस निकलते हैं। तो उन्होंने टोकन अभी जस्ट ले लिया है, ये टोकन लेके जाएंगे फिर वहाँ। देखिए आप, ये इनका किचन है नॉर्मली, इस किचन से वो जो है हमारा डिनर लेके आएंगे, देन हम लोग को डिनर करना है। नॉर्मली हम कैमरे को कम करते हैं पब्लिक प्लेस, तो प्लीज फ्रेंड्स फॉलो मी। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं, अब हम लोग अभी नाइट हो गया है काफ़ी, और ये ब्लैंकेट जो है आप देख सकते हैं, ये तो मेरे साथ का ये ब्लैंकेट है, मैंने यहाँ पे एक जो है नीचे डाल रखा है ऊपर। अभी हम
लोग काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 12:30 बज गए रात के। तो ये मॉर्निंग में बस करीब पहुंचेगी 8 के आसपास, तो उस हिसाब से जब भी ये बस रीच करती है तो मैं वहां से फिर आपको बताऊंगा आगे कैसा रहा जर्नी। अभी ये अगर मैं बात करूं एक तरह से नॉर्मली स्लीपिंग कम्फर्ट ठीक है, ऑलवेज सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको जो है बताऊंगा मॉर्निंग में, हम मिलते हैं। ओके बाय। तो अभी फ्रेंड्स मैं करंटली जो है यहाँ पे उतर चुका हूँ और नॉर्मली आप देख सकते हैं नहीं चलिए ठीक है, तो एक रिवर्ट के लिए पॉइंट आ गया, उसमें रेटिंग दे दीजिएगा। भाई साहब है उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हमारा यहाँ पे, मैं यूट्यूबर हूँ। अच्छा हाँ मुझे मालूम है, मैं कहते मैंने को आपको कहीं देखा भी है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, मेरे को लेट हो रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा इनका वो रहा सिस्टम, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ठीक रही ओवरऑल। बाकी की आगे मैं आपको वीडियोस में मतलब यहाँ पे बताऊँगा कैसे क्या था। अभी यहाँ से मुझे सबके अडक्टर जाना है, तो मैं इसके लिए यहाँ से जो है कैब बुक कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने कैब बुक कर लिया है, तो कैब बुक करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, बाकी की चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो अभी मैं सेक्टर जो है 18 पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे बस ने मुझे ड्रॉप किया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर ठंड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और मतलब पूरा टेम्परेचर की बात करें तो पूरी मेरे हाथ एकदम बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे हो गए हैं, इसलिए बहुत यहाँ पर ठंड पड़ रही है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी 7:00 हो रहा है करंट में, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। अभी पीछे मेरे वेव मॉल है और सामने जो है नोएडा 18 का जो है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, अभी मैं हाईवे पे ही यहाँ पे खड़ा हूँ। ये सेक्टर 18 है, और अब जो है करंट सिचुएशन में कोविड की वजह से यहाँ पे क्या है कि महामाया फ्लाईओवर पे जो है कोई भी अब स्टॉपेज नहीं है, वहाँ क्लोज कर दिया गया है। तो अगर आपको सेक्टर 78 अगर सेक्टर 76 और इधर के एरिया में जाना है तो आपको सेक्टर 18 ही उतरना पड़ेगा। इसके बाद का जो इनका स्टॉपेज होता है वो नॉर्मली क्या है कि वो सीधे भी आनंद विहार जाके स्टॉप करते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आने में। तो भाई यहाँ से मुझे सेक्टर 78 जाना है, तो इसलिए मैंने 18 को उतर लिया मैंने। तो नाउ दिस आगे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे कैसा है। ओला अभी आ रही है मेरी, ओला मैंने यहाँ से बुक किया है नॉर्मली, यहाँ से अभी करीब 12 किलोमीटर की जर्नी और है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अभी मेरी कैब यहाँ पे आ चुकी है और मैं यहाँ से अभी सेक्टर 78 के लिए यहाँ पे निकल चुका हूँ। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स का टाइम लगेगा, देन वहाँ पे मैं रीच करके फिर आपको बताता हूँ। काफ़ी अभी मौसम की अगर हम बात करें तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे, और अभी सनराइज जस्ट हो रहा है अभी करंटली, तो होप्स हो कि दोपहर का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। बट आगे देखते हैं कैसे क्या है, ड्रॉप करने के बाद करते हैं।